मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि मैं बिल्ली बिलियनेयर बनना है भाई को, लेकिन बिलियनेयर बोलना नहीं आता। सीरी इट्स ओके, बिल्ली सीरी सीख जाएगा। ओ पैन मैं गरीब ही ठीक हूँ। बाबू मेहमान आने वाला है, चार गो मिठाई और एक स्प्राइट लेके आना। जब ठीक है भैया, ला दे रहे। अरे फैजान बेटा रुको, इसमें क्या है? अरे मिठाई था वो। अरे बेटा तुम 12 पास किए थे ना, लाओ मिठाई खिलाओ। अच्छा बेटा आते हैं। हाँ अरे बाबू आज मेहमान नहीं आएगा, कल आएगा, जाओ इसको फेरत कर दो। बहुत सही, इसको वापस देके वरना घर में नहीं आएगा, चल जा। उसकी क्या गलती बेचारे की, वो साला पड़ोसी एक नंबर का लालची लुक्कू। अपने गर्लफ्रेंड को अचानक से वीडियो कॉल कर दिया, लड़की बिना मेकअप की थी, लड़का पहचानने से किया इनकार। ऊपर इधर फोन कर चाहिए ना, वो है ना भुगता लड़की सब तो मेकअप कर चाहिए कुछ नहीं ना। हाँ तो बिना मेकअप कुछ होने वाला है। भैया न्योता लिख लो। कितना? ये 51 रुपया। पता नहीं पापा किस किस को बुला लेते हैं 51 रुपया न्योता करने वालों। बहुत बड़े अमीर के चौधे ना बनो, कापी देख के आए हैं, तुम्हारे पापा 11 रुपया लिखाए थे हमारे। आईना आईना दिखा दिए। रोशनी कल लड़की वाले मुझे देखने आए थे, क्या बोला उन्होंने? बोला कि लड़का हमें पसंद नहीं है। फिर मम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने बोला कि लड़का तो हमें भी पसंद नहीं है, तो क्या घर से निकाल। हम याद है, हमको पूरी सब्जी, आलू धनिया प्याज भिंडी, आलू धनिया प्याज भिंडी, आलू धनिया प्याज भैया, आलू धनिया तुतमरी भिंडी। क्या आज तो खाली कर दूंगा अगर मकान मालिक नहीं मिला। अरे वो आ रहा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे सरिया आपने हमें कैसा मकान किराए पे दिया है, जब देखो अंदर चूहे दौड़ते रहते हैं। तो बेटा इतने कम किराए में तुम क्या घोड़ों की रेस देखना चाहते हो? अबे साले। अरे तो पेस्ट कंट्रोल कराना था अंकल। भाई साहब आप कहाँ के हो? भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। जिंदगी कुछ ऐसी चल रही है, सुबह शाम ताने, दिन रात गाने, बाकी ऊपर वाला जाने। जब कुछ करोगे धरोगे नहीं तो यही चलेगा। सोचता हूँ सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, लेकिन पैसे नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करा लो बस। ओए मुझे मारने लगी थी मेरे बाबू को मत मार। भाई यार उसे ही मार ले यार, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा शरीर देखने यार। बहुत सही। अबे कुत्ता, अबे कुत्ता किसको बोल रहा है? अबे उधर देखना उधर। अच्छा तो ऐसे बोलना कुत्ता जा रहा है। बहुत सही। कुत्ता बोलेगा? भैया आपको नहीं बोल रहा था उसको। तो कैसे मैसेज किया मेरी गर्लफ्रेंड को? छोड़ना छोड़ना, मैं इस साले को कपार फाड़ दूंगा। छोड़ छोड़ कपार छोड़ना छोड़ना। जब मैं परेशान था ना तो किसी ने नहीं देखा, और आज ठेक के बगैर तो आधे गांव ने देख लिया। अब घर वाले भी ढूंढते फिर रहे मुझे। यही होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हां ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए मैं भाई। हां मैं 3 दिन से लगातार तुमका देख रहा हूं यार, यहां पर बैठे हो, क्या मामला है तुम्हारा यार? अबे यार इनके वहां लौंडे की शादी है यार 3 दिन के बाद, सलाम बार बार करने का पता दावत ही देते हैं यार। तो हम भी सलाम करेंगे यार, हमको भी दावत मिल जाएगी यार। हाँ करो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ 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 ठीक है बेटा, तो 2 दिन बाद शादी है, तुम लोग की दावत है, आ जाना। हो गई दावत। अरे क्या हो गया, एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय कर, यहाँ के बैठ गया। अरे मेरा सिर दुख रहा है बहुत तेज। क्या हो गया? अरे चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां हैं, समझ ही नहीं आ रहा किस किस को देखूं। सिर दुख रहा है बहुत। पीछे सौदव जोर को ये। अरे इतनी टेंशन क्यों ले, चल ऐसे कर घर, चल 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 चल, वो काली बुरसट वाली दे, चल घर चलो। अरे घर चल तू, वो लिपस्टिक लगा रखी है अंदर। बाबा ही हो गया कतई।
भाभी अगर आप कहो तो मैं आपके लिए बहुत सारा आम तोड़ दूँ। तुम कितना भी आम तोड़ दो पर मैं अपना बहन नहीं देने वाली। सौरभ तू मेरे बिना नहीं रह सकता है ना? नहीं। उससे बात किए बिना भी नहीं रह सकता है ना? नहीं। अच्छा चल 19 वाला रिचार्ज कर दे। भाई मेरी मम्मी ने मना कराया तेरे साथ रहने के लिए। जिंदगी में पढ़ाई बहुत जरूरी हो दोस्त। ऐसे पागल ना बातचीत करते लोग सब सिगरेट रहे। ये पागलों वाला बात है। कितना हुआ? 10 रुपया। मंदिर से आई हो क्या? क्यों ये पैसे नहीं है क्या? क्यों? भाई साहब आपकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? मेरी खुद की जिंदगी झंड है लेकिन मैं ज्ञान बहुत अच्छा देता हूँ। ये खासियत है? खासियत नहीं बकवास कर रहे हो। बांद्रा में 200 गज का प्लॉट दिलवा सकता है? नहीं सर। तो फिर क्यों पूछ रहा है? फिर ये पूछ के खाने पीने में क्या लेंगे? सर मेरा मतलब वो तेरे मतलब के चक्कर में मेरा 200 गज का प्लॉट निकल गया ना हाथ से। भाई तू ही मेरा सच्चा दोस्त है यार, तू ही मेरी मजबूरी समझ सकता है। क्या हुआ भाई? भाई मैं जिंदगी से परेशान हूँ, मेरी कुछ मदद कर दे। ले भाई जहर खा ले। ये मदद की है तूने? आई लव यू पिंकी। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, अंधा पैसा है और तोर मेरे पास आईफोन भी है। इसमें पबजी है? आई डोंट लाइक पबजी, मुझे पबजी खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारे पास क्या है? मैं गरीब हूँ और ऊपर से मैं बेरोजगार भी हूँ, ना मेरे पास पैसा है तो बस एक ये एंड्रॉइड फोन है। पबजी है इसमें? पबजी है। पहले तुम डिसाइड कर लो जिंदगी भर हंसना खेलना है कि मेरे साथ शादी करनी है। भाई हंसना खेलना है, प्लीज चूज कर ले हंसना खेलना है, नहीं तो उसी पबजी वाली की तरह चला जाएगा। सब्जी भी नहीं मिलेगी। अब बता हवा कहाँ को चल रही है, उसका रुख देखने के लिए भी वैज्ञानिक रख रखे तो कैसा पता लगाएगा? फिर बचपन से पता लगा दूं मैं, जब इतना ज्यादा गुटके में पैदा हुआ था तब से पता। तो बताइए जरा कैसे चलेगी? हेल्की चल रही आजा मेरे वैज्ञानिक आजा आजा। काश काश यार मेरी भी एक सेटिंग होती। काश तो मेरी जिंदगी में ना आई होती तो मेरे लिए अच्छा होता यार। मेरा डेबिट कार्ड भी जीत डाला तूने और तेरे को कितनी टॉपिंग करनी है रेक पोज। इसकी माँ का रिलेशन कैसा? जब कोई बोलता है एक बात पूछूं यार सीधा पूछ लिया करो, यहाँ इतने कांड कर रखे हैं धक धक होने लगता है। अच्छा इन्होंने मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैडम आपका रॉन्ग नंबर लग गया है, मेरे तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। रॉन्ग नंबर है भाई। चल ना यार तोरे बिना पार्टी अधूरी। वाह राजा जी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। आंटी वो ना आपकी पतंग पे हमारी छत आई हुई है। कहाँ भोज और कहाँ गंगू तेली? वो दोनों कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। जिस लड़की से भी पूछो सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड, जिस लड़के से पूछो तो वो सिंगल है, तो फिर ये लड़कियाँ जा कहाँ रही हैं? जैसे एक लड़की 10 को घुमा रही ना वैसे लड़के भी हैं जो 10 को घुमा रहे। दोस्त है वो मेरा। भाई आपने शादी क्यों की? बस यार बचपन से शौक था। और आपने? इनका शौक उतारना था। अरे सुन एक बात बता। हाँ बोलना। जब कोई अंधा सो के उठता है तो उसे कैसे पता चलता है कि वो सुबह उठा है कि रात को उठा है? अरे वो तो क्योंकि अभी ये सवाल इसके दिमाग में भी घूमेगा। हाँ यार सोचने वाली बात तो है।